किरण बीबी, कोई हाशिम साहब आए हैं आपसे मिलने। ठीक से नाम पूछा? जी बीबी जी, उन्होंने अपना नाम हाशिम ही बताया। अच्छा, उन्हें उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ और चाय और कबाब भी बना लो, और खान बाबा को भेज के बेकरी से चीजें भी मंगवा लो। मैं आती हूँ। ठीक है बीबी। कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत वीकनेस है, बीमारी के साथ साथ घर के सारे काम। क्या मतलब घर के सारे काम? मतलब सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना। तो ये सब काम? ये सब तो दिखावा है। ये शान और शौकत देखकर ये मत समझेगा कि मैं बहुत मजे में हूँ। मैंने आपको बताया था ना, मैं एक्टिंग करती हूँ। वो दरअसल मेरी मदर जो है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है, स्टेप मदर है ना। ओके, तो क्या आपके वालिद वाकिफ हैं आपके इन सारे हालात से? वो होते तो इनकी मजाल थी मेरे साथ ऐसा करें, फिर इस दुनिया में कोई भी नहीं। आप ले ना, वो दरअसल मेरी कस्टडियन है। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, मैं उन्हीं के अंडर रहूंगी। लाइब्रेरी भी मैं इसीलिए आती हूँ कि इस घर के इस घुटे हुए माहौल से थोड़ी देर के लिए निकल तो जाऊं। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। कौन है अंदर? बीबी जी, कोई हाशिम साहब आए हैं। बीबी तो उन्हें देखकर बहुत खुश हो गई। बीबी जी, हाशिम साहब कौन है? क्या मतलब है तुम्हारा? जाओ जाके काम करो अपना। बीबी, वो साहब। मैंने कहा ना, जाके अपना काम करो। जी बीबी जी। अस्सलाम वालेकुम। मम्मी, आप घर का घुटा हुआ माहौल, काम का बोझ, स्टेप मदर। बैठो। मेरी इनसे मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। उस दिन इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनकी खैरियत ही दरियाफ्त कर लूं। और इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। वो तो मैंने लाइब्रेरी से इनका एड्रेस निकाला और यहाँ इस तरह से चला आया। I'm so sorry for that again. ये क्या मजाक है? मैं अंबर कमाल हूं, किरण की स्टेप मदर। मेरा मतलब है रियल मदर। दोस्तों से ऐसे मजाक करते हैं बेटा? मजाक? कैसा मजाक? वो आप उस दिन कह रहे थे ना कि मेरा लहजा बुझा बुझा सा लग रहा है, तो मैंने सोचा आज थोड़ा मजाक ही कर लूं। आप तो इतनी जल्दी किसी से भी घुलती मिलती नहीं, फिर आज हाशिम का इतना डिटेल्ड इंटरव्यू कैसे ले लिया? तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ आज ऐसा क्या हुआ है जो आपका रवैया तब्दील हो गया। तुम्हारी आंखों ने मेरा रवैया तब्दील किया। मेरी आंखों ने? तुम्हारी आंखों में ना एक खास किस्म की ना चमक थी। Just a friend. कभी-कभी आप अजीब सी बातें करते हैं। वैसे वो लड़का अच्छा लगा है मुझे। Handsome है, खूबसूरत है। उसके बारे में सोचा जा सकता है। मम्मी, आज आप पहली बार मिली हैं उससे। ना उसके बारे में जानती है, ना उसके घर वालों के बारे में, और मेरी शादी का सोच लिया। क्या पता शादीशुदा हो, मंगनी हो चुकी हो, या फिर रिलेशन में हो। अगर ऐसा कुछ ना हुआ वो तो क्या? अच्छा, इन सब बातों के बावजूद
अगर कुछ ना हो तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। बड़ा अच्छा है। मुझे नहीं सोचना, इनफैक्ट मुझे शादी नहीं करनी, ना हाशिम से ना किसी और से। देखो किरण, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, हाशिम से नहीं तो किसी और से, तो बेहतर है बेटा तुम उसके बारे में सोचो। मम्मी मुझे शादी नहीं करनी, आप समझ क्यों नहीं रही? बीमारी के साथ मैं किसी की भी जिंदगी में दाखिल नहीं होना चाहती। अच्छा एक बार अपने दिल से मशवरा ले लो, फिर बात करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है मम्मी, कहा ना कुछ नहीं। और आज आप ऑफिस से जल्दी आ गई? ऑफिस से घर फोन किया तो रशीदा ने बताया कि तुम जल्दी आ गई हो, तो सोचा अपनी बेटी को खुद जाकर पूछूं क्या बात है। मम्मी आप भी ना कोई डिटेक्टिव होना चाहिए। माओ को होना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, और तुम तो मेरी वैसी इकलौती बेटी हो। अजीब सी उदासी सी हो रही है। क्यों उदास हो बेटा? वो 3-4 रोज से हाशिम नहीं आ रहा। तो बेटा तुमने उसकी परेशानी शेयर करनी थी ना। किया था, बस सरसरी से बात हुई और बस मुझे लग रहा है वो परेशान है। तो ठीक है, तुम उसके घर चली जाओ। अजीब सा लगेगा। क्यों अजीब सा लगेगा? मेरा मतलब है हो सकता है हाशिम को अच्छा ना लगे। ये भी तो हो सकता है, उसे किसी फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत हो। मम्मी हर इंसान की परेशानी की वजह सिर्फ पैसा नहीं होता। इसीलिए तो तुम्हें भेज रही हूँ, जाके मालूम करो आखिर बात क्या है। अच्छी तरह जानती हूँ आप मुझे वहां क्यों भेज रही हैं। अच्छा यहाँ मेरे पास आओ। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ खाया था? क्यों? बाद में। पागल। कब तक ऐसे घूरते रहोगे? वो मैं सोचा था कि आप यहाँ पे। तुम मेरे घर आ सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? दिखने में तो ठीक नजर आ रहे हो, बुखार डेंगू मलेरिया कुछ भी नजर नहीं आ रहा। देखिए मुझे तो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो फिर इतने दिनों से लाइब्रेरी क्यों नहीं आए? एक्चुअली मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसलिए नहीं आ रहा था। कौन है हाशिम? जी अभी आ रहा हूँ। मुझे नहीं मिलवाओगे आंटी से? हाशिम ने आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया? नहीं तो? मैं दोस्त हूँ हाशिम की। कितनी बुरी बात है हाशिम, तुमने आंटी को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे मौका ही नहीं मिला। वाह भाई, तुम तो बड़े सुघड़ हो, बड़ी अच्छी चाय बनाई है। और सुनाए आंटी, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाशिम आपका ठीक से ख्याल रखता है कि नहीं? अब तो शुक्र है बेटा, तबीयत बहुत बेहतर है। हाशिम ने मेरा ख्याल भी बहुत रखा है, लेकिन अब मैं इससे बहुत नाराज हूँ। इसने इतनी प्यारी दोस्त को मुझे अभी तक मिलवाया नहीं, क्यों? छोड़े ना आंटी,
खुद जो आ गई अपना तारुफ करवाने की। चाय पियो जी। कितनी प्यारी और मिलनसार बच्ची थी, लग ही नहीं रहा था कि मैं उससे पहली बार मिली हूँ। उसके आने से घर में कितनी रौनक हो गई ना बेटा। जी ऐसी मैं उससे कोई खासा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन उससे भी ऐसी बातें करती है जैसे बरसों से जानता हूँ। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तुम्हें कैसी लगी? अच्छी है। आपकी दवाई का टाइम हो गया? अरे भुद्दू, मैं इसलिए थोड़ी पूछ रही हूँ, मेरा मतलब है कि अगर इससे तुम्हारी शादी हो जाए तो। ओ मम्मी, एक तो पहली मुलाकात में आपने मेरी उसके साथ शादी करवा दी, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, और आप ये इस बारे में सोचना भी बंद कर दें। बेटा अच्छी है, प्यारी है, मिलनसार है, और ये कि उसका ताल्लुक बेहद मॉडर्न फैमिली से है। पहली बात तो ये कि हमारा उनके साथ कोई जोड़ नहीं है, और ये जो मेरी और किरण की दोस्ती है, सिर्फ किरण की फितरत की वजह से है। वो फितरतन ऐसी है, सबके साथ हंस के बात करती है, हत्ता कि अपने ड्राइवर के साथ। सो प्लीज आप ये रवायती माओ की तरह किसी भी लड़की को मेरी दोस्त देख के उसके साथ मेरी शादी के ख्वाब मत देखिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। और अम्मी, ये लड़कों के साथ दोस्तियां, ये सब उनके सर्कल में बहुत आम सी बात है। अम्मी, मैंने कौन सा उससे कोई शादी करनी? तुमने तो मेरा ख्वाब पूरा होने से पहले ही तोड़ दिया। अम्मी, ख्वाब हमेशा अपनी हैसियत के मुताबिक देखना चाहिए। नहीं, अगर ख्वाब इंसान हैसियत के मुताबिक देखने लग जाए तो फिर हकीकत में और ख्वाब में तो कोई फर्क ही नहीं रह गया ना। मुझे लगता है कि आप वाकई आपकी दवाई का टाइम हो गया। किरण, मैं यूं बाहर आना अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम इस कॉफी के बिल की बात कर रहे हो? इस बिल की भी और अपने वक्त की भी। कॉफी का बिल तो मैं दे दूंगी, बाकी वक्त उस पे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये क्या मिलेगा तुम्हें मेरे वक्त से? ना इस वक्त में अच्छी जॉब है, ना पैसा है, और ना ही हैसियत। इन सब में से मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे वक्त में मैं हूं तो मैं समझूंगी मुझे सब कुछ मिल गया। किरण, मैं क्या मैंने कुछ गलत मांग लिया? आई मीन, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई हाशिम? कहाँ खो गए? किरण, मैं तुमसे झूठी बोलूंगा। मेरी जिंदगी में एक लड़की थी जिसका नाम आदिया थी। क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? हाँ, परमानेंट ब्रेकअप। ये परमानेंट ब्रेकअप क्या होता है? सॉरी बोलो और पैचअप कर लो। शादी के बाद जब तलाक हो जाती है ना, इसे परमानेंट ब्रेकअप कहते हैं। हाँ, तलाक देने के बाद किसी भी सॉरी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तलाक? ओह, तो रुखसती से पहले ही तुमने तलाक दे दी? Very sad. हाँ, इसीलिए तुम हमेशा दुखी और उदास नजर आते। बजाय तो तुम बड़े जॉली नेचर के लगते हो, मगर जब तुम बात करते हो तो उदासी तुम्हारे पूरे वजूद को ढांप लेती है। क्या आप बहुत चाहते थे अपनी कजन को? बहुत, बेहद।
उससे ताल्लुक टूटने के बाद मुझे इस दुनिया में किसी भी चीज की चाह नहीं रही, सिर्फ मेरी अम्मी है जिनके लिए मुझे हंसना पड़ता है, बोलना पड़ता है, जिनके लिए मुझे जिंदगी को जीना पड़ता है। सोचता हूं कि अगर मेरी अम्मी भी ना होती तो। अच्छा ना, अब ज्यादा मजनू बनने की जरूरत नहीं, ब्रेकअप तो होते रहते हैं, इंसान को आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन कुछ ब्रेकअप ऐसे होते हैं किरण जो आपको अंदर से ब्रेक कर देते हैं, अगर कुछ बचता है तो सिर्फ गम और तकलीफ। हर इंसान को अपना गम बड़ा लगता है, दुनिया में निकल के देखो तो हर इंसान दुख और तकलीफ में पाया जाता है। मुझे ही देख लो, जब मैं 12 साल की थी तो डैड ने मुझे और मम्मी को छोड़ दिया था, कनाडा चले गए और वहां जाके दूसरी शादी कर ली। उन्हें मेरी बीमारी से कोफ्त होती थी। जब मुझे अटैक होता था तो मुझे कमरे में तड़पता हुआ छोड़कर खुद बाहर चले जाती थी।